सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक आपको ये जानकारी मिल ही गई होगी कि पेटीएम अब बैन होने जा रहा है, यानी कि 29 फरवरी 2024 के बाद में आप पेटीएम की बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बैन होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप पेटीएम का बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और वो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम से कैसे आप बच सकते हैं वो भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पेटीएम को लेकर के आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर बताया गया है कि पेटीएम जो है वो 29 फरवरी 2024 के बाद में बैन हो जाएगा। मगर दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि पेटीएम बैन नहीं होगा, बल्कि पेटीएम की जो पेमेंट सर्विस है जो कि है 197 कम्युनिकेशन करके वो बैन हो जाएंगी। और 197 कम्युनिकेशन करके जो सर्विस है उसके अंदर आता है पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम का डेबिट कार्ड और फास्टैग वगैरह सर्विस। इतना ही नहीं दोस्तों, जब हम पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट बनाते हैं तो बनाने के बाद में हमें यूपीआई आईडी भी मिलती है जो कि होती है @paytm करके, वो भी काम करना बंद कर देगी, यानी कि आप इन सभी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ना तो आप पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएंगे, ना ही कोई क्रेडिट कर पाएंगे। अब दोस्तों, ऐसे में अगर आपका पेटीएम बिजनेस अकाउंट है तो आपको भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और वो प्रॉब्लम क्या है चलिए मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद में मैंने भी अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट बना करके रखा हुआ है, तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों, ऊपर है 3 लाइन जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में हमें आना है नीचे सेटलमेंट सेटिंग के ऑप्शन पे। तो अब दोस्तों, जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो ये है कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक करके रखा हुआ है, जबकि दोस्तों 29 फरवरी 2024 के बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि जो भी ग्राहक से हम पैसे रिसीव करेंगे तो वो सेटलमेंट के लिए जाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक में, मगर पेटीएम पेमेंट बैंक जो सर्विस है वो बैन हो रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में पेटीएम वॉलेट या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक करके रखा हुआ है सेटलमेंट के लिए, तो उसे आपको इंस्टेंट चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे आपको पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता था सेटलमेंट के लिए। सो फिलहाल वॉलेट का जो ऑप्शन है वो तो रिमूव हो चुका है, मगर अभी यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक रह गया है, तो चलिए हम इसे भी फटाफट से यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जियो पेमेंट बैंक को लिंक करके रखा हुआ है जिसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आता है, ओटीपी को हमें यहाँ पे डाल करके एंटर करना होता है। ओटीपी को एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो सेटलमेंट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने अपने बिजनेस अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम वॉलेट को लिंक करके रखा हुआ है सेटलमेंट के लिए, तो फटाफट से आपको जाना है और अपने सेटलमेंट अकाउंट को चेंज कर लेना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहां पे आपको लिंक कर लेना है। सो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग या फिर पेटीएम में जो भी आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मगर आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।